सी सी जी एल 2020 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि उनका जो टीयर वन का रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया गया है। और उससे भी बड़ी अपडेट ये है कि आपका जो इस बार कट ऑफ है वो काफ़ी कम है। और सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा कि जो तीन लिस्ट आपकी निकली है उसमें कितनी कितनी कट ऑफ गई है। तो सबसे पहले आप लोग देख लो, यहाँ पे बताया है कि कंप्यूटर बेस्ड आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो कब से कब तक हुआ था, 13 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक आपका कंडक्ट कराया गया था। यहाँ पे आपका ये भी बता दिया गया कि टीयर सेकेंड आपका कब होगा, और लिस्ट वन, लिस्ट टू और लिस्ट थ्री, तीन लिस्ट आपकी निकली है। तो सबसे पहले आप लिस्ट वन की कट ऑफ देख पा रहे होंगे, कट ऑफ आपकी इस बार काफ़ी कम गई है। एससी की जो कट ऑफ है वो 145, एसटी की कट ऑफ 140, ओबीसी की कट ऑफ 161, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 164 और यूआर की जो कट ऑफ है वो 167 है। ठीक है, टोटल जो कैंडिडेट यहाँ पे एससी में जो क्वालिफाई हुए हैं वो 970 हैं, और यहाँ पे एसटी में जो क्वालिफाई हैं वो 465 हैं, ओबीसी में 1784 हैं, और टोटल जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे वो 5429 हैं। उसके बाद लिस्ट सेकेंड जो आई है उसमें एससी की जो कट ऑफ है वो 124.61 है, एसटी की जो कट ऑफ है 122.40 है, ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 147.63 है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 146 है, यूआर की जो कट ऑफ है वो 153 है। टोटल जो कैंडिडेट हैं वो 11212 कैंडिडेट हैं। अब सबसे जो कम कट ऑफ गई है वो लिस्ट थर्ड की गई है, और सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट होते हैं वो यहीं पर होते हैं। ठीक है, तो एससी की जो कट ऑफ है वो कितनी है, 100.93, उसके बाद एसटी की जो कट ऑफ है वो 93.75, ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 119.23, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 109 है, यूआर की कट ऑफ 132। टोटल जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं वो 114,135 जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे क्वालिफाई हैं। उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो मार्क्स हैं आपके वो कब से कब तक शो होंगे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एंड फाइनल आंसर की अलॉन्ग विद क्वेश्चन पेपर, ये जो है वो 3/12/2021 ऑन द कमीशन और कैंडिडेट में चेक देयर मार्क्स 3/12/2021 से लेकर के 24/12/2021 तक आप इसे चेक कर सकते हैं। तो आप लोग जो मार्क्स अपने चेक कर सकते हैं वो 3/12/2021 से लेकर के 24/12/2021 तक चेक कर सकते हैं। तो जाइए जल्दी से अपना रिजल्ट देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो उम्मीद है कि जो भी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की वो आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो जल्द से जल्द अपना रिजल्ट चेक करें। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उसके अलावा अगर चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।